बेटे पे बुरा बोला करेगा ना। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे अमर आकांक्षा ब्लॉग। सो दोस्तों, आज एक गुड न्यूज है, आप लोगों को बताएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। और दोस्तों, सुबह हो चुका है और ब्लॉग सुबह से ही शूट हो रहा है ना। और दोस्तों, आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट और कमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली बने रहिए, व्यू जरूर आएगा जी। और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। हाँ दोस्तों, लाइक कीजिएगा तभी वीडियो हमारा वायरल होगा। कम से कम इस वीडियो में कितना लाइक आना चाहिए? कम से कम अगर आप लोग 500 भी लाइक कर दीजिएगा ना, तो 10 के व्यू आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ऐसे तो आप लोग सपोर्ट करते ही, लेकिन और ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारा वीडियो को पूरा रीच मिले जी, क्योंकि हम लोग मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। आटा गुथा रहा है, बनेगा सुबह सुबह रोटी। हाँ, मम्मी बनाई है आलू पटल का सब्जी। और दादी इधर बोल रही है घर में थोड़ा फोन लगा दो, मन खराब लग रहा है, बात करेंगे ना। दादी का मन कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। और पापा इधर जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी जा रहे हैं। पापा ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं। वही हुआ, दुकान जा रहे हैं दोस्तों, मतलब हाँ ड्यूटी, जॉब काम को ड्यूटी भी बोल सकते हैं। मैक्सी तो दिख नहीं रहा, आप लोगों को दिखाते हैं मैक्सी कहाँ है। भैया के पास, देखिए कूलर लगा के इधर भैया सोया हुआ, ये देखिए। गुड्डू चलो, नहीं खाएगी खाना, चलो गुड्डू। देखिए कैसे सोता है, बचपन से यही सोया है, इसको पसंदीदा जगह है ये। चलो मैक्सी चलो, इसको कल रात को आकांक्षा क्रीम व्रीम लगा दिया दोस्तों, देखिए कैसा लग रहा है, सोया हुआ है खतरनाक। भैया के साथ ऐसे ही सोता है, खतरनाक सोया हुआ है दोस्तों। पापा जाने लगे हैं, ठीक है, ठीक है। पता नहीं है दोस्तों, सब कोई अपने अपने काम में लग जाते हैं, पापा अपनी ड्यूटी मतलब अपने दुकान चले गए, दुकान 10 बजे तक हमारे घर में ना लोग एक टाइम का नाश्ता करके रेस्ट भी कर लेते हैं जी, इतना आराम मिल जाता है। चलिए हम नहा लिए हैं और अभी सबको धीरे धीरे एक एक करके नहाने जा रहा है। दादी नाश्ता कर ली, आज क्या है दादी, आज कौन सा त्योहार है? रोहन। रोहन क्या होता है? रोहन क्या होता है? हाँ मतलब उसमें क्या पूजा होता है, किस भगवान का है? तो पूजा होता है जगरी पोटलू पेरवा। अच्छा, बलि होता है ना? हाँ, गांव में ना। हाँ मतलब अपना गांव देवता, गांव ग्राम देवता का पूजा होता है ना। मनसा पूजा, मनसा पूजा, मनसा पूजा होता है, मनसा पूजा होता है। दो होता है, एगो रोहन मनसा, एगो रोहन मनसा, एगो भादर मनसा। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा बात है ना। तो आज सुने कि हम लोग को नीम पत्ता चबाना चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ा सा ना, तीता, नीम पत्ता, तीता। और कुछ चिकन उकन खाना चाहिए क्या? आज तो बढ़िया से चिकन करना है, कबूतर, मछली वछली, सब सब चीज खाना है। ठीक, मछली नहा नहीं रहे, जा जल्दी नहा के आओ। मेरा हाथ में अभी भी दर्द है पूरा, देखे लग रहा है आप लोग को कुछ फूला हुआ सर। हाँ, लग रहा है यहाँ पे उठा हुआ। हाँ, वही दर्द है, वही बस ये मोड़ने वाला एरिया पे दर्द है। हाँ जा जा, नहा के आना, जा बस बस को तो जाना। मेरा तो नाश्ता हो गया है अब, या नहा ली ना, तुम भी फ्रेश हो गई। इस बेबी ढोल बेबी बनी है, छोटा बेबी मतलब अपने पसंद से ही है, मेरे हस्बैंड मतलब ये मंगा दिए थे, तो अभी तक अच्छा। पहन नहीं पाते, तो सोचे कि एकदम पूरा नया क्यों ना इसको भी पहन ले, क्यों इतना सारा कपड़ा ये हो जाएगा। आप लोग भी बोलते हैं कि एक ही कपड़ा क्यों पहनती है। हाँ, चलो बहुत अच्छा बात है, कभी कभी हमको भी मन करता है कि हम कुछ अलग पहने, आज तो हम मिस मैच करके पहन लेते, जैसे ये वाला, ये तो हॉट पैन के साथ का है, जिसको हम पहन लिए इस पे मैच कर रहे हैं ना। चलिए अच्छा है दोस्तों। इधर देखिए ये फोटो, आप लोग देखेंगे कि उस रूम में था, यहाँ कब लेके आए थे तुम? ले करके इसीलिए आए दोस्तों, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं रहता, हम ना एक डेढ़ महीना से बोल रहे कि एक फोटो यहाँ लगा दीजिए, अच्छा लगा देंगे। तो हम यहाँ पे छोटा सा कुर्सी रख के उस पे जाके फिर ऐसे कर कैसे ऐसे हथौड़ी मारे हैं, वो भी धीरे धीरे, सोचे कि एक ही लगाते हैं, बाकी यहाँ वहाँ जगह पाएंगे तो लगा देंगे।
तो हमारे इधर मौसम बहुत खराब है, आप लोग के इधर कैसा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों को दिखाते हैं, अभी अभी सही हुआ का पता नहीं, निकले नहीं है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं, कल रात से ही मौसम खराब किया गया है ना। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को मौसम। खराब मतलब कैसा? बारिश होता है और पूरा भयंकर गर्मी, इसीलिए बहुत खराब मौसम। मौसम थोड़ा साफ किया है दोस्तों, देखिए वरना मौसम कितना भयानक किया, देखिए मौसम पूरा खराब किया है, खराब। इधर देखिए कांटी कहाँ, तुम ही गिराई होगी कांटी, नहीं तो तुम ठोकिया तो तुम ही ना गिराई होगी। क्या गद्दा में कांटी कहाँ से होगा? अगर रोई कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाता, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। क्या है? रोई है पूरा, दिखा ला, छोटे देखे अजीब लग रहा है। टाइट हो गया। कौन सा दवा खा रही है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड रात में खाते हैं, आयरन और कैल्शियम भी तो खाना पड़ता है। अच्छा, और फिर सिरप है जो दो टाइम पीना है, बस एक ही पाइप पीने को बोलिए डॉक्टर। ठीक। अरे मम्मी का दवा बस सुबह खा के, चल इधर आ आ आ, देखो हो गया पूजा, तुरंत हो गया। इधर दोस्तों राधा कृष्ण है, बस राधा कृष्ण, देखिए देखिए मैं स्वाहा गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध। मौसम आज मस्त किया है, एकदम इतना खुश लग रहा है मौसम देख के ना, मजा आ गया। बाबली तुम खा लिया ना, सो जा ये लग दे दो, ये दादी का है, इसको यहाँ लग दो, दूर हटना है ना। अच्छा करेला का भुजिया बन रहा है, दाल चावल करेला का भुजिया, दाल चावल करेला का भुजिया, और कुछ खाना है क्या? ना, और पापड़ ऊपर छाल देना। ठीक है, तो खा ली, करेला भी फ्राई हो रहा है, और आलू और करेले का भुजिया किसके तो पसंद है, और आकांक्षा को खाना है या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खा तो सकती है, खा सकती है, विटामिन करेला तो ऐसे ही सबके लिए फायदा वाली चीज है, इससे शायद ब्लड बनता है। अच्छा, ये तो करेला खराब हो रहा है, लेकिन करेला अभी तक करेला है ना बहुत ही ज्यादा तीखा लग रहा है, दो दिन पहले भूजा था ना तो बहुत तीखा लग रहा था, बहुत तीखा। अगर मम्मी सब कुछ बना के रख दिया, आकांक्षा मम्मी रोटी वोटी मिल के बनाई, सब कुछ हो गया दोस्तों। अभी आप लोग को एक चीज बताने वाले हैं, चलिए आराम से रूम में बता दे या फिर यहीं पे बताते हैं आप लोगों को। विटामिन का सिरप पी रहे हैं, 10 ml सुबह और 10 ml रात में डेली हम पीते हैं, कभी कभी भूल से लेट भी हो जाता है लेकिन पी लेते हैं, बहुत खराब लगता है इमली और कड़वा। तो दोस्तों अभी क्या हो रहा था बताओ है? तो जैसे कि मेरा 5 month स्टार्ट हो गया, तो 5 month में धीरे धीरे खत्म होगा, 6 month तो हमको इस मंथ में ना थोड़ा थोड़ा मतलब कि कैसे फील हो रहा है बबल जैसा, तो हम घर में क्या जैसा उसका समझा, दादी को समझा, बुलबुला जैसा अंदर होता है ना, बटरफ्लाई चलता है फिर बुलबुला कुछ फूटता है वैसा लग रहा था पेट के अंदर, तो मम्मी और दादी को भी हम बताए, तो मम्मी बोल रही थी कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम ऐसा। हाँ ये सही, अच्छा 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 संकेत है। मम्मी हमसे 10-15 दिन पहले पूछी थी कि पेट में कुछ हो रहा है, तो हम बोले नहीं ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा, फिर 10-15 दिन बाद मतलब ऐसा कब होता है पता है, जब हम सोने टाइम जाते हैं तो उस टाइम हमको नींद नहीं आता क्योंकि पूरा हड़बड़ होता है, या फिर दोपहर को बैठे रहते हैं तब होता है, ठीक है, मतलब लगता है कि कुछ बुलबुला जाएगा ना तो सब इतने हड़बड़ आएगा। दादी हिंदी बोल रही हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आप लोग के लिए हिंदी बोल रही है, तो लाइक तो बनता है दोस्तों, 500 लाइक दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और ये फीलिंग मतलब बहुत नहीं नहीं जाएगा ना, 3 महीना हटेगा, अच्छा हड़बड़ाएगा ना, मैंने घुरा बुला उसी में, पेट में घूमता है, पेटे में घुरा बुला करेगा ना। अच्छा, तो वही हम बताए थे घर में, अभी घर में भी बताया सारे लोगों को, इनको भी बताया ना, लेकिन अभी मतलब कोई छुएगा तो उसको पता नहीं चलेगा, हमको पता चल रहा है। अच्छा, हमारा पेट में बच्चा है तो पता नहीं चलेगा। चलो अच्छा, तुम लोग अंदर आ जाओ सबके। Thank you.
देखे कितना खुशी का बात है, मतलब सबको बोल रहा था कि ये होना बहुत सही है, इसी चीज का इंतजार कर रही थी मम्मी भी, है ना। हाँ, कि मतलब उसी से मम्मी बोल रही थी कि सब कुछ अंदर सही है कि नहीं, तो हमसे पूछ रही थी। तो उस टाइम तक हमको कुछ भी फील नहीं हो रहा था, अभी 10 दिन से हमको फील थोड़ा 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 होता है, रात में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। हम सोने जाते हैं ना तो ज्यादा, हम बोलते हैं ना कि पूरा हड़बड़ हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा बात है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग लाइक कर दीजिए, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो में कम से कम 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तो व्यू आ ही आए, और आप लोग जितना लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उतना अच्छा खासा व्यू हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, वीडियो हम लोगों को उतना अच्छा रीच मिलेगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट भी करें, और ये भी बताएं कि इस समय क्या खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो आप लोगों से सारा सलाह लेंगे। और ये जो फीलिंग है ये बहुत मतलब यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। दादी भी आ गई है दोस्तों, तो ऐसा बात है ना। हाँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अनदर ब्लॉग वीडियो पे। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो एक लाइक बोला, मामा दादी दादी बोले कि लाइक करना तो लाइक कीजिएगा ना, बोले दादी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लाइक करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय।